नमस्कार, आदाब, द वायर में आपका स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूँ जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के यहाँ घर में। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सीबीआई की टीम आई थी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। सीबीआई यहाँ पर किस लिए आई थी? सीबीआई अब इसमें जाँच हो रही है, सरकार चाहेगी तो जो शिकायतकर्ता उसी के खिलाफ कर देगी, नहीं चाहेगी सही जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कौन क्या था। इसमें ये जिक्र अफवाहें ज़रूर थी कि इसमें 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। तो अभी जो ये जांच चल रही है सीबीआई की, ये अभी ही क्यों है? इसके द्वारा सरकार आपको चेतावनी दे रही कि आप इसमें खामोश रही है? मुझे सरकार बहुत तरह से डराने की कोशिश कर रही, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। सीबीआई इंक्वायरी है, इसमें गवाहियां सब उन अफसरों की होंगी जो वहाँ अभी सरकार के अधीन हैं, तो सरकार जो चाहे करा सकती है। पर मैं डरता नहीं उससे, मैं बस जो भी होगा वो मैं लड़ता रहूँगा। लेकिन अभी ये आपको सरकार के द्वारा चेतावनी दी गई कि आप आगे कुछ मत बोलिए सरकार के द्वारा, क्योंकि जो सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर जी को आपने इंटरव्यू दिया था उसमें आपने कुछ सवाल खड़े किए थे राष्ट्रीय सुरक्षा और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, तो जो भी सरकार के खिलाफ बात करता है उस पर कार्रवाई होती है, तो इसके बारे में? अब मैं तो नहीं ये कह सकता कि उस पर कार्रवाई होती है, होती होगी, लेकिन मैं जो सही है वो बोलता हूँ। करण थापर जी को मैंने सच सच बोला था और आज तक इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया को खामोश कर दिया है ऐसा लगता है आपको? ये तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसको तो उसी शाम बुला के कह दिया गया था कि कोई करण थापर के इंटरव्यू का कोई जिक्र नहीं होगा कहीं भी। तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के अलावा बाकी मीडिया पे वो कहीं भी कवरेज नहीं है। तो आप ऐसा यहाँ पर मानते हैं कि आपको 300 करोड़ रुपए का फाइल क्लियरेंस के लिए राम माधव ने ऑफर नहीं दिया था? ना, मैंने कहा भी नहीं है कभी, आप अपने रिकॉर्ड देखे, मैंने कभी नहीं कहा। तो फिर ये जो FIR CBI ने की थी वो किसके लिए की थी? अभी CBI ने FIR नहीं की है, ये स्टेट गवर्नमेंट ने जो दो बातें मैंने बोली थी कि 200 सौदों में इस तरह से 150 रुपये की रिश्वत थी, उस पे जांच करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 150 करोड़ रुपए की, तो उस पे जांच करने के लिए CBI को ये केस दे दिया था। अब CBI इस पे जांच कर रही है। क्या बातचीत हुई CBI के बारे में, क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया? नहीं बता सकता क्या बातचीत हुई, बातचीत अच्छी ठीक ठाक हुई, वो भी देवर वेरी एक तरह से बहुत विनम्रतापूर्वक वो पेश आए। मैंने भी उनको चाय कॉफ़ी सब ऑफर किया, उन्होंने कुछ पिया भी या नहीं, बट देवर डिसेंट पीपल। ऐसा लगता है आपको सरकार 2024 से पहले खामोश करने की कोशिश कर रही है? इसी तरह से खामोश हो सकता हूँ कि वो मेरी जान ले लें, वो इनको इतना भारी पड़ेगा, मेरी इतनी बड़ी कम्युनिटी 4 स्टेट में इनका सूपड़ा साफ कर देंगे लोग और इनकी मीटिंग नहीं हो पाएगी, बाकी मुझे चुप नहीं करा सकते हैं। क्योंकि पिछले हफ्ते भी आपने जो खाप पंचायतें थी वो आपके समर्थन में आए थे, उसका भी कार्यक्रम पुलिस ने यहाँ पर होने नहीं दिया। वो तो है, ये सब तरह से परेशान कर रहे हैं, पर मेरे पे असर नहीं पड़ेगा उसका, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है बिल्कुल। अब एक आदमी मेरी सिक्योरिटी में है, जबकि मैं राजस्थान गया, सब जगह जाना पड़ता है, तो मैं बिना सिक्योरिटी के जाता हूँ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार आपके ऊपर जो कार्रवाई नहीं, फिर भी आपको सिक्योरिटी देना चाहिए सरकार ने, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी विड्रॉ करे, आप फॉर्मर गवर्नमेंट रहे हो, तो इसके बारे में क्या? फॉर्मर गवर्नर्स पे मरते दम तक सिक्योरिटी रहती है। जगमोहन जी जब डेथ बेड पे थे तब भी उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। ये जो अभी कथित बीमा फाइल क्लियरेंस का मामला है CBI का, इस पर राम माधव जो इन्वॉल्व है, तो आप ऐसी मांग करेंगे कि उनकी इंक्वायरी हो जाए? नहीं, उनकी भी हो रही, सबकी हो रही, सभी आएंगे इसमें। तो अभी राम माधव जी की इंक्वायरी चल रही है? नहीं, मैं कोई राम माधव जी पे चार्ज नहीं लगाऊंगा, उन्होंने मुझे वो भी भेजा था एक नोटिस भी जिसका मैंने जवाब दे दिया है। वो मुझे कुछ ऑफर नहीं करने आए थे, वो सिर्फ इंक्वायर करने आए थे कि भाई क्या हुआ उसका। मैंने बताया कैंसिल हो गई, फिर उन्होंने पूछा चिट्ठी चली गई क्या, मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा, उसने कहा जो वो तो कल ही चली गई थी, तो उनका इसमें इंटरेस्ट था, ये तो प्रूवन है, चूँकि वो सवेरे सवेरे 7 बजे राजभवन मुझे मिलने आए, जबकि ना उससे पहले कभी आए थे ना उसके बाद में आए। तो
आपका कहना है कि राम माधव जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है? ऐसा कहा जा रहा है कि उनके उनकी दिलचस्पी थी इसमें। जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि सत्यपाल मलिक जी अभी जो बात कर रहे हैं वो अभी क्यों कर रहे हैं, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं की, इस पर आप क्या कहेंगे? पता होना चाहिए कि मैंने तो उसी दिन कही थी। प्रधानमंत्री ने मुझे चुप रहने को क्यों बोला? मैंने तो उसी दिन कहा था जब ये घटना हुई, पीएम ने इंक्वायर किया तो मैंने कहा साहब ये तो हमारे लोगों की गलती से हुआ। दूसरे किसानों का भी मामला मैंने तब उठाया जब मैं गवर्नर था, ऐसी कोई चीज़ नहीं है मैंने गवर्नर हटने के बाद उठाई हो। हम वापस सवाल पर आते हैं कि विपक्ष से आपको भारी तौर पर समर्थन मिल रहा है, जैसे कि कल शिवसेना के एमपी संजय राउत भी मिल कर गए, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये जो 40 लोगों का बलिदान गया है उसको एक तरफ से सरकार की गलती की वजह से 40 जवानों की हत्या की है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो की है, सरकार जिम्मेवार है, हत्या की और फिर उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। हत्या की है और उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल मामले, लेकिन उसकी जाँच क्यों नहीं हो रही? वो क्यों होगी भाई, वो तो बादशाह हैं सब, उनकी कौन जांच कराएगा? वो तो हम कराएंगे अगर हम पावर में आ गए। कोई आपकी ही जांच हो रही है, ना कि राम माधव की हो रही है, ना कि उस पुलवामा हमले की जांच हुई। वायर ने भी कुछ जो परिजन थे शहीद हुए थे उनके घर वालों से भी बात की, उनका भी कहना है कि सरकार ने गलत किया है, इसकी जाँच होनी चाहिए। होनी चाहिए, अभी भी देर नहीं है, जाँच करानी चाहिए सरकार को। अगर सरकार साफ है तो इसकी जाँच कराए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे। आपका अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि उस दिन भी पिछले हफ्ते हमने देखा कि जो तमाम खाप पंचायतें थे किसान आंदोलन के जो नेता थे, किसान नेता, वो भी आपसे आकर मिले, क्या आप इसको आगे ले जाने के लिए, इस जांच के ले जाने के लिए कुछ आंदोलन करेंगे? मैं किसानों में, मुझे सब जगह बुला रहे हैं, खाप के लोग, बिना खाप के भी, सब जातियों के लोग, उनमें जाऊँगा और चुनाव तक मैं इसमें कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा पर मैं ये कैंपेन रखूँगा। क्या कैंपेन की क्या दिशा रहेगी? कैंपेन की यही दिशा रहेगी कि सरकार जो झूठ बोलती है उसकी जांच हो और हमारे सिपाहियों के परिवारों को न्याय मिले। 40 जवानों की जो हत्या हुई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेवार थी। उन्होंने जहाज मांगे थे, अगर ये 5 जहाज दे देते जवान नहीं मरते। अगर जहाज नहीं देते ये जवान नहीं मरते, ये बातें अभी 2019 में हुई थी, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि ये अभी क्यों बोल रहे हैं सत्यपाल मलिक? मैंने तो उसी दिन बोली थी। अमित शाह साहब को अपनी मेमोरी करेक्ट करनी चाहिए। जिस दिन ये हुआ था और मुझे शाम को प्रधानमंत्री ने पूछा था कि क्या हुआ, तभी मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ और ये हमारी गलती से हुआ। तो उस टाइम प्रधानमंत्री ने आपको क्या जवाब दिया? प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम इस पर चुप रहो। तो तब से अभी तक ये मामला चुप ही है। आप इस जांच के लिए कोई कमेटी की मांग करेंगे या कुछ करेंगे? मैं तो इसकी फुल फ्लेजेड एक सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग करूंगा। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल करेंगे? वो सब कानूनी मेरे पास साधन नहीं है, मैं तो जनता में जाऊँगा और इसको इलेक्शन का बड़ा मुद्दा बनाऊँगा। ये जो पुलवामा का इसका आप एक 2024 के लिए इलेक्शन में एक मुद्दा बनाएंगे और सरकार के अभी जो मोदी गवर्नमेंट है इसके बारे में जांच के लिए आप मांग रखेंगे 2024 का? जी, थैंक यू। तो ये थे जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक, जिन्होंने कहा कि वो जांच की मांग करेंगे। जो पुलवामा का हल्ला हुआ था जिसमें 40 जवानों के शहीद हुए थे, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली ये बात है कि गवर्नर साहब ने ये कहा कि 40 जवानों की हत्या की है और उसका जो है गवर्नमेंट ने फ़ायदा लेते हुए 2019 के चुनाव में उसका फ़ायदा लिया था। आज हम अभी यहाँ पर मौजूद थे गवर्नर साहब के घर में, जहाँ पर CBI की एक टीम उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आए थे। इस मामले के जो भी अपडेट है वो आप द वायर पर देख सकते हैं, और जो गवर्नर साहब का जो इंटरव्यू हुआ था करण थापर सीनियर जर्नलिस्ट ने लिया था, वो भी आप द वायर पर देख सकते हैं। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।